नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो प्रवासी बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही राज्यों के द्वारा इन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं, इस बारे में भी जानकारी मांगी गई है। दरअसल एक याचिका में कोरोना महामारी के बीच प्रवासी बच्चों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने सभी राज्यों से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील जना कोठारी उपस्थित हुए। बाल अधिकार ट्रस्ट और बेंगलुरु निवासी की तरफ से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। याचिका में कहा गया कि कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी और इस अवधि के दौरान प्रवासी बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और वो सबसे कमजोर लोगों में से रहे हैं। याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन से प्रवासी बच्चों को काफ़ी तकलीफ हुई है। प्रवासियों के बच्चों और प्रवासी बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। ना तो उनके खाने पीने का ध्यान रखा गया था और ना ही उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोई इंतजाम किए गए थे। याचिका में कहा गया कि आज तक प्रवासी बच्चों, शिशुओं और गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली प्रवासी महिलाओं की सही संख्या और उनकी ज़रूरतों का कोई आकलन नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया कि इस महामारी में प्रवासी बच्चों पर भेदभावपूर्ण प्रभाव दिखाई दे रहा है और इससे उनके कमजोर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। याचिका में ये भी कहा गया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के जरिए पंचायत और वार्ड कार्यालयों में स्थानीय अधिकारियों की मदद लेकर विभिन्न कार्यस्थलों और प्रवासी परिवारों के शिशुओं और बच्चों की संख्या की गणना की जाए और पंजीकरण करने के निर्देश दिए जाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।